asking its definition, what is artificial intelligence? Actually, artificial intelligence is a branch of computer science which mainly focus on creating intelligent machines who can behave like human being, who can think like human beings. Moving further with that topic, I'm gonna explain advantage and then disadvantage of artificial intelligence in their sector. The very first point is advantage of artificial intelligence in lab or diagnosis of diseases. लैब्स में अगर हम बात करें तो पहले मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से पहले जब ट्रेडिशनल वे मतलब होता था, कोई मशीन वगैरह ज़्यादा नहीं होते थे, तो लैब टेक्नीशियंस के पास ना ये ऑप्शन नहीं था कि वो मतलब किसी चीज़ का हेल्प ले, मतलब हर चीज़ उनको मैनुअली करना पड़ता था। जो भी टेस्ट होते थे उनमें से कुछ टेस्ट ऐसे होते थे कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग और बहुत ज़्यादा लेंथी होते थे। बट आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आ गई है, ऐसी मशीन्स अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से लैब टेक्नीशियन बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में टेस्ट को कर दे रहा है। इससे फायदा ये होता है कि कम टाइम में पेशेंट को रिपोर्ट्स मिल जाते हैं तो उनका ट्रीटमेंट अर्ली स्टार्ट हो जाता है, इससे मतलब पेशेंट को जल्दी रिकवरी होने में फायदा मिलता है। सेकंड फायदा जो है वो रोबोटिक सर्जरी में बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं इसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। रोबोटिक सर्जरी में इसका सबसे बड़ा फायदा जो होता है, डॉक्टर जो सर्जन होते हैं वो उनको मतलब देखने में मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, वो बहुत क्लियरली वो देख पाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, इन कंपैरिजन टू नेकेड आई, राइट। सेकेंड पॉइंट ये है कि उनका जो मूवमेंट होता है इंस्ट्रूमेंट का वो बहुत प्रिसाइज होता है, मतलब हाथ से जो मूवमेंट पॉसिबल होता है ना उससे कहीं ज़्यादा प्रिसाइज मूवमेंट वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से मतलब जो उनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे वो कर पाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि पेशेंट का जो ब्लीडिंग होता है सर्जरी के दौरान वो कम होता है, पेन कम होता है, और ऑल ओवर जो आफ्टर सर्जरी रिकवरी उनका बहुत फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल सर्जरी। इससे जो पेशेंट मल्टीपल ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, वो मतलब सर्जरी मतलब जल्दी रिकवरी के बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट अपना ले सकते हैं। सेकंड जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है मेडिकल इमेजिंग में, एक्सरे में, एमआरआई में। पहले के जो ट्रेडिशनल एक्सरे होते थे, एक्सरे मशीन का सेटअप होता था, उसके साथ एक डार्क रूम का प्रोसेस होता था, वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता था। आज के डेट में जो मशीन्स हैं उसमें ये जो डार्क रूम है बिल्कुल कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है, जो भी फुल्ली डिजिटली मशीन है उसमें कम्प्लीट रिमूव हो चुका है। पहले मैनुअल पोजिशनिंग करना पड़ता होता था, करना पड़ता था पेशेंट्स का, और भी बहुत सारे मैनुअल फैक्टर चेंज करने होते थे मशीन के अंदर। बट आज के डेट में और ऑलमोस्ट मतलब 99% चीज़ें जो है वो ऑटोमेट हो चुकी हैं, मशीन ऑटोमेटिक कर लेती है। कुछ चीज़ें हैं जो उनको मतलब टेक्नीशियन को करना पड़ता है। टाइम कंपैरिजन देखें तो पहले 15 से 20 मिनट लगता था एक्सरे करने में जनरली, और अब आज के डेट में जनरली 2 से 3 मिनट में एक्सरे करके हम दे देते हैं, तो ये फायदा है। फोर्थ पॉइंट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ड्रग का जो रिसर्च होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है। जनरली एक ड्रग या फिर मेडिसिन को मार्केट में आने में 8 से 10 साल लग जाते हैं, और इसमें जो सबसे लेंदी प्रोसेस होता है वो क्लिनिकल टेस्टिंग और प्री क्लिनिकल टेस्टिंग होता है। इसमें जान माल का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, सक्सेस रेशियो ऑलमोस्ट 5-7% है, राइट। तो इसमें ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, इसने बहुत ही ज़्यादा मदद किया है। ये हमें बता देते हैं मतलब लाइक पहले प्री क्लिनिकल टेस्टिंग और क्लिनिकल टेस्टिंग जो होता है वो जनरली जानवर पे और फिर इंसानों पे होता है। इसमें मतलब जानवर और इंसान दोनों का ही नुकसान होता था, मतलब जान का खतरा होता था, और सक्सेस रेशियो आपको पता ही बहुत कम है। तो ये चीज़ का फायदा हुआ है कि इंसान का जान बच रहा है, जानवर का जान बच रहा है, और कॉस्ट बहुत ज़्यादा मतलब कट हो जाता है, मतलब कॉस्ट बहुत कम आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें ये प्रिजर्व करके बता देते हैं कि ये ड्रग इन फ्यूचर इस पार्टिकुलर बीमारी के लिए या पार्टिकुलर सिम्टम के लिए काम करने वाला है, राइट। ये चार एडवांटेज मैंने आपको बताए, अब आगे मैं डिसएडवांटेज बता रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से क्या क्या नुकसान है। सबसे पहला और कॉमन नुकसान है एम्प्लॉयमेंट का, मतलब एम्प्लॉयमेंट कम हो गया है। जो काम पहले 8-10 इंसान मिलकर करते थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से 1 या 2 बंदे मिलकर कर दे रहे, राइट। तो इससे
एम्प्लॉयमेंट में मतलब कमी आई है, जॉब्स कम हो गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, इसका जो इनिशियल कॉस्ट होता है, इसका इंस्टॉलेशन का कॉस्ट, इसको मेंटेनेंस का जो इनिशियल कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसको कोई कॉमन इंसान रन नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज, बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई लेवल की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अगर कोई बंदा ऐसे ही मतलब उसको यूज़ करना चाहे, कोई सर्जन, कोई टेक्नीशियन ऐसे ही नॉर्मली यूज़ करना चाहे, तो वो हो सकता है मतलब हमारे लिए या फिर पेशेंट के लिए नुकसानदायक हो जाता है। इसका जो ट्रेनिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग अभी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, ये है इसका फोर्थ डिसएडवांटेज। लास्ट पॉइंट है इनएक्यूरेसी, चाहे मशीन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इनएक्यूरेसी का एरर का चांस फिर भी रहता है। थैंक्स।